तो खैर क्या जाने है, तो गेम काफी ऐसे बार आपके ब्लॉग आपके ब्लाई ब्लाई ब्ला 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 खैर लाइन रिपीट। काफी अरसे बाद खैर से कैमरा ऑन किया है, तो खैर कैसे आप सब ठीक हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। खैर तो बाकी यार आपका भाई ना अभी पीछे, खैर आपको खैर पता होगा, खैर रमजान का महीना गुजरे, तो रमजान का महीना स्टार्ट है, स्टार्ट नहीं है सॉरी एंड हो गया, क्योंकि जितने भी रोजे थे उसमें मेरे काम पे जाने की जो रूटीन थी वो कुछ चेंज थी, और खैर आगे आगे साथ साथ बताते रहेंगे। तो बाकी अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखाऊँ तकरीबन ये देख लें, तकरीबन 6:35 हो रहे हैं, सही है। और आज दिन है भाई ईद का दिन, तो ईद की नमाज के लिए फिर तैयार भी होना है, तकरीबन 7 बजे तक की टाइमिंग है नमाज की, तो जाके नमाज भी पढ़ेंगे, फिर घर आके सबको मिलेंगे, भी ईद मुबारक भी करेंगे, आपसे भी ईद मुबारक करेंगे सबको। तो बाकी ब्लॉग स्टार्ट है, इंजॉय करो ब्लॉग आएंगे इंशाल्लाह, नो ब्रेक। सो आज जो मेरा ईद पे पहनने का न्यू जो मैंने जोड़ा सिर्फ है वो इस कलर में, इस तरह के इतने नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये ऑफ वाइट तकरीबन। तो नया जोड़ा नीचे, खैर जूते तो पहनेंगे वो नमाज पढ़ के आके जब, तो खैर बाकी चलते हैं फ्रेश वगैरह होते हैं, न्यू सूट वगैरह पहनते हैं, तो फिर आपको ज्वाइन करते हैं, सही है ना? तो वेलकम बैक जी, खैर ईद की नमाज पढ़ के आ गए, तो खैर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि ईद मुबारक का ख्याल नमाज पढ़ने के बाद ही करते हैं, क्योंकि नमाज हो जाए तो फिर सबको ईद मुबारक। सो हाँ बस आगे पीछे, अब ईद की नमाज पढ़ी बाहर आए तो फिर सबसे मिले मोहल्ले में जो थे दोस्त वगैरह सब, सबको ईद मुबारक की। तो बाकी यार ईद का दिन है, ईद का दिन इंजॉय करना है बाकी खुल के, और हाँ बाकी आपको दिखाएं तो सही, हमने छोड़ा इकट्ठा किया हुआ, टेंशन नहीं लेनी है, देखें आए हाय 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 50 100 10 एवरीथिंग प्रॉपर लोडेड, क्योंकि ईद है यार, ईद पे बच्चों को ईदी देना, बड़ों से ईदी लेना, वो तो अभी खैर अभी भी दिल है, क्योंकि बड़ों से ईदी लेने का अलग ही मजा होता है। तो ये अभी इसलिए इकट्ठे किए हैं कि बच्चों जो छोटे बच्चे हैं, बहन के बच्चे भाई के बच्चे, उनको ईदी देना एक एक करके, तो बस यार पता तो है। तो बाकी चलते हैं ऊपर, साथ साथ चलते रहेंगे, जैसे करते रहेंगे तो पता रहेगा, देखते रहिए। नहीं जा रहे आज इधर भी, इधर भी तो जी वेलकम बैक। खैर आपको छत कुछ, खैर छत क्या, छत भी हूँ लेकिन छत कुछ अलग अलग सा है, डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आपका जो भाई है ना वहाँ माया में पुप्पू के घर, वहाँ से मतलब ईद की नमाज़ पढ़ी घर आ गए, तो चाय वगैरह तो पी ली थी खैर घर में, बाकी उधर से फिर भाई के साथ कब्रिस्तान गए, वहाँ पे दुआ की, दुआ वगैरह की, कब्रिस्तान से भी फारिग हो गए, फिर इधर पुप्पू के घर आए, और भाई की घर का खैर इस तरह कुछ है, ऊपर छत पे हूँ क्योंकि नीचे बैठी हुए सारे फैमिली मेम्बर्स, और उधर फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो बनाना है, यू नो दैट। और बाकी यार छत पे यार तैयार किया यार माशाल्लाह, और बाकी खैर वीडियो चलती रहेगी, व्लॉग बनता रहेगा यार, सॉरी यार सही है ना, और व्लॉग बनता रहेगा, और ईद है भाई, ईद पे सारे दिन का व्लॉग तो आना ही है ना, तो जस्ट समझो छाँव में अच्छू या धूप में अच्छू, देखो अच्छा धूप में सही आ रहा हूँ या छाँव में सही आ रहा हूँ। और बाकी आपके भाई ने खैर ईद से तकरीबन 2 से 3 तकरीबन 3 दिन पहले ही मैंने अपना आपको फ्रेश किया था, बाल वगैरह, क्योंकि ईद का जब एक दिन या दूसरा दिन रह जाए ना, तो फिर जब हेयर ड्रेसर जो है बाल कटवाने वाले, इन इन शॉर्ट नाई जिसे कहते हैं, उनको इतनी रश हो जाती है ना, तो फिर बाल नहीं काट, मतलब बाल काटते हैं लेकिन फिर इतना कस्टमर बैठा होता है कि हमारी बारी आती आते ना, तो फिर बस समझ लो। तो बाकी सूरत हाल है, ये कबूतर उड़ रहे हैं,
और बस यार चलता रहेगा, ये तो मजे करने हैं हमने और क्या करने है? तो देखते रहो, अभी देखते हैं इसके बाद शायद कहाँ जाना है, शायद जाएं दादी की तरफ, अभी भूखों के घर हैं, इसके बाद दादी की तरफ जाएं फिर उधर से घर, और फिर देखेंगे आपके भाई की वैसे भी नींद पूरी नहीं है, आंखों से देख के पता चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता लग रहा, क्योंकि एनर्जी है ना यार दिखानी तो है। और खैर बाकी फिर आपको बाद में ज्वाइन करते हैं। सो तो खैर वी आर बैक, खैर आपको सुबह मिले थे, सुबह के बाद अब जाके मिले, और अभी कुछ टाइम हो रहा है, और आप पापी को बोलो खोल, खैर है ना अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:10, सही है। तो बस घर में हूँ, ऊपर छत पे हूँ, खैर काफ़ी दिनों बाद छत से आया हूँ खैर। और बाकी ये कुछ चल रहा है, गए उधर दादू के घर, दादी के घर भी गए हम, दादी के घर भी गए, अब दादी से मिले इन बार की, चाचू से मिले, फिर कज़न से मिले, थैंक यू। तो फिर आगे उधर से फिर घर आ गए, फिर यार थका हुआ था, नींद आई थी, फिर सो गया क्योंकि होश नहीं थी खैर, क्योंकि आपको पता था रात को मैं लेट आया हूँ, तकरीबन 3 का टाइम फिर मैं रात को घर पहुँचा था। तो खैर बाकी अभी इतना दिन गुजर गया, बाकी आगे के दिन गुजर रहेगा, और बाकी आपको ईद मुबारक करने के लिए हमारे 2 पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सलाम का जवाब दें। जवाब दो, जवाब नहीं, सलाम का जवाब कैसे होता है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक। क्या कर रही हो? चॉकलेट खा रही हूं। रोजा नहीं है? नहीं है। क्यों? ईद है। ईद है, रोजे खत्म हो गए हैं। तो बस यार इनका तो खैर मजे हैं, सुबह से बस ईद ही कठी कर रख कर, और बस चीजें खातर और कुछ काम नहीं है इनका। तो खैर बाकी देखते हैं आगे चलता है वो, और दिन वगैरह चलते रहेगा ऐसे ही। तो बाकी देखते रहो, जय करते रहो, पीछे सेकंड में भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ सो तो खैर रात होगी, वही रात के तकरीबन टाइम और 9:15 का, और बस नीचे आके तकरीबन बिस्तर पर बैठा हूँ क्योंकि थकावट बहुत हुई है, और थकावट के साथ साथ खैर अभी आराम भी करना है क्योंकि कल फिर से ईद का दिन, और न्यू मतलब ईद का दूसरा दिन, खैर तो न्यू ब्लॉग तो न्यू सब कुछ होगा। तो खैर अभी बाकी अपने पास रखी हुई आइसक्रीम, आइसक्रीम लेकर आया था बाजार से, खैर आइसक्रीम वगैरह भी खाएंगे। तो बाकी सब घर वालों के साथ बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और बाकी आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो खैर बाकी टेंशन नहीं लेना, ब्लॉग इंशाल्लाह स्टार्ट हो गए हैं, रमज़ान में था रुक गए थे, सो बाकी खैर आप ब्लॉग इंशाल्लाह आते रहेंगे। बाय बाय।